अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम हाज़िर हुए हैं हान हॉबीज़ के दूसरे व्लॉग के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा पहला व्लॉग अच्छा लगा होगा। चलें आज हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो हमने एक वीक में जो छोटे मोटे काम घर के या बाहर के किए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चलें देखते हैं। चलें जी, सबसे पहले आपको मिलवाते हैं एक नन्हे मेहमान के साथ जो हमारे घर के पास घूम रहा है, कुछ ढूंढ रहा है लग रहा है। इसको जैसे मर्जी हाथ लगाएं, ये बहुत ही शरीफ किस्म के माउस होते हैं। इनको डॉच में इनका नाम ईगल है और इंग्लिश में इसको शायद हेजहॉग कहते हैं। आज कुछ धूप लग गया है, सोचा कि अपने लॉन की सफाई थोड़ी कर लें। चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। चलें जी, ये तो हो गया ख़त्म। अब चलते हैं अपने दूसरे कामों की तरफ। हमारे घर कुछ मेहमान आए हैं, उनके खाने पीने का कुछ इंतज़ाम करते हैं। तो चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, देखते हैं। हाँ जी, मेहमान तो आज चले गए हैं और आज के दिन की मसरूफियात फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज हम बनाएंगे साग, जिसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान में सरसों का साग होता है, लेकिन इधर ब्रोकोली का साग बनाते हैं घरों पर लोग, और बहुत ही मज़े का बनता है ये। सरसों के साग से भी अच्छा बनता है, इसमें ये ब्रोकोली बारीक बारीक काट लेते हैं घर पर,
और इसमें वो जो पालक स्पिनर पैकेटों में मिलती है इधर, वो ऐड कर लेते हैं और बहुत ही मज़े का बनता है। जी साग बिल्कुल तैयार हो गया है, अब इसको तड़का लगाएंगे और मज़े से खाएंगे। जी आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।